SKMSKY में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आईफोन की खासियत क्या है? यह मोबाइल इतना महंगा क्यों बिकता है? इसे लोग क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इससे कम प्राइस में आपको और भी बेहतर मोबाइल मिल सकता है। फिर आईफोन कहीं लोग क्यों खरीदते हैं? दोस्तों, हम आपको आज बताएंगे कि फैक्ट्री में आईफोन कैसे बनाए जाते हैं तथा इस आईफोन को बनाने में कितने रुपए की खर्च आती है। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि एप्पल आईफोन की खासियत क्या है और यह मार्केट में उपलब्ध दूसरे मोबाइल से इतना महंगा क्यों होता है? आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप देश दुनिया की थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आपको पता ही होगा कि मोबाइल और लैपटॉप बनाने वाली अमेरिकन कंपनी एप्पल दुनिया की एक बड़ी कंपनियों में से एक है। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 ईस्वी को की गई थी। इस तरह यह कंपनी अपने 45 साल के सफर में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। एप्पल कंपनी अपने महंगे और खास फीचर वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को लिए जानी जाती है। इस कंपनी का पहला आईफोन 19 जून 2007 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। हालांकि यह कोई महंगा फोन नहीं था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी नए नए स्मार्टफोन लॉन्च करती गई, उन सभी में नए नए फीचर जोड़े गए और आज के समय में आईफोन की बराबरी कोई भी नहीं कर सकता। यह फोन एंड्रॉइड की तुलना में काफी एडवांस है। आईफोन का फीचर और प्रीमियम लुक लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यही वजह है कि आईफोन काफी महंगा होते हुए भी काफी लोगों की पसंद बनी हुई है। दोस्तों, इस आईफोन को पाने के लिए लोग अपना किडनी तक बेच देते हैं। इस आईफोन को बड़े बड़े सेलिब्रिटी के हाथों में देखा जाता है। आईफोन का पार्ट अलग अलग देशों में बनता है। यह दोस्तों आप लोग सुनकर बहुत ही हैरान होंगे, लेकिन यह बात सही है क्योंकि आईफोन का हर एक पार्ट अलग अलग देशों से बनाकर मंगाए जाते हैं, जैसे कैमरा, टच, बैटरी, उसके पावर बटन, यानी कि अलग अलग उसमें के अलग अलग पार्ट को अलग अलग देश से मंगाकर उसमें लगाया जाता है। आईफोन को बनाने में जितना खर्च आता है उससे दोगुना में यह कंपनी बेचता है लोग। और हाँ दोस्तों, यह मोबाइल सिर्फ महंगा ही नहीं है बल्कि इसका कुछ खासियत भी है। चलिए इसके कुछ खासियत के बारे में हम लोग जानते हैं। इस मोबाइल के द्वारा खींचा गया फोटो या किया गया वीडियो DSLR कैमरे को टक्कर देता है। अक्सर मोबाइल या स्मार्टफोन में हैंग होने की समस्या होती है, लेकिन आपको बता दें कि आज के लेटेस्ट आईफोन में हैंग होने की समस्या 9 के बराबर है। इस स्मार्टफोन में सबसे आधुनिक CPU और GPU का प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस और ऑप्टिमाइजेशन काफी गुना बढ़ जाता है। इस फोन को यूज करना अन्य मोबाइल से आसान होता है। यह स्मार्टफोन एंड्रॉइड मोबाइल फोन की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, मतलब इनमें आपके पर्सनल डाटा लीक होने की बहुत कम संभावना रहता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि आज दुनिया में बहुत ज्यादा हैकिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लोग हैकिंग के प्रॉब्लम से बचने के लिए इस मोबाइल का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस मोबाइल में वायरस नहीं बनता है। इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिस तरह से इनकी बैटरी लाइफ काफी लंबी हो जाती है और यह फोन काफी स्मूथ चलता है तथा आईफोन की अधिकतम आयु 10 साल तक होता है, मतलब आईफोन 10 सालों तक चल सकता है। तो आई होप कि दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले ताकि अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।